हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अमित कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लेट्स फील इंग्लिश, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो आज मैं 10th सीरीज़ का 8th वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है चुका था, चुके थे, चुकी थी, और इसके ऑल सब्जेक्ट्स के साथ हैड यूज करने होते हैं। ये बहुत ही इजी है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। एग्जांपल देखिए, वे लोग जा चुके थे, दे हैड गॉन। मैं यह काम कर चुका था, आई हैड डन दिस वर्क, है ना, इजी। देखिए आगे, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, ऑल सेंटेंस के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। और हैड ये तो यूज होना ही है। वह नहीं जा चुका था, ही हैड नॉट गॉन। वे लोग नहीं खा चुके थे, दे हैडंट ईटन। हैड नॉट का ये है शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये बहुत ही ईजी है यार। देखो, क्या वह नहीं जा चुका था, हैड ही नॉट गॉन। अगर वहाँ रहता, क्या वह नहीं, क्या वह वहाँ नहीं जा चुका था, ऐसे अगर रहता तो हैड ही नॉट गॉन देयर, ऐसे, है ना। क्या वे लोग वहाँ नहीं जा चुके थे, हैड दे नॉट गॉन देयर। नेक्स्ट देखिए, कंसेप्ट ऑफ टू वर्क इन पास्ट, मतलब पास्ट में दो वर्क हुए हैं उसका कंसेप्ट मैं अब इस स्लाइड में बताऊंगा। तो देखिए, यदि फ्यूचर में दो वर्क हुए हो ना, और एक वर्क दूसरे वर्क से पहले कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है, तो पहले जो वर्क एंड हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करना होता है ट्रांसलेट करने में, है ना, और बाद वाले के लिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, ठीक है। तो ये सेंटेंस को आप देखिए, और पहले ये सेंटेंस में कौन सा वर्क पूरा हुआ है, कंप्लीट कौन सा वर्क हुआ है वो देखिए, बताइए आप जरा। आई एम वेटिंग। चलिए देखिए, आई होप आप समझ चुके होंगे कि कौन सा पास्ट में कंप्लीट हो चुका है पहले। रोगी मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ये है ना। तो कंप्लीट कौन हुआ पहले, रोगी का मरना, और डॉक्टर तो बाद में आया ना, तो सबसे पहले आप ट्रांसलेट करोगे रोगी मर चुका था, तो इसका क्या होगा, सोचिए जरा। देखिए, रोगी मर चुका था का होगा द पेशेंट, पी ए टी आई ई एन टी, द पेशेंट हैड डाइड, डाइड। अब ये तो हो चुका, पास्ट परफेक्ट टेंस का आपने बना लिया, है ना, ट्रांसलेट कर लिया इसका, रोगी मर चुका था का। अब उसके बाद आपको डॉक्टर के आने से पहले इसका अब ट्रांसलेट करना है आपको, जो कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर याद है ना आपको, अगर नहीं आपको याद है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए टेंस का सीरीज में। डॉक्टर के आने से पहले तो यहाँ होगा बिफोर द डॉक्टर केम, देखिए बिफोर द डॉक्टर केम, है ना। तो अब क्या हुआ पूरा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये हुआ इसका ट्रांसलेशन। नेक्स्ट देखिए,
अब इसे आपको करने हैं, सोचिए। देखिए, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो मैच शुरू हो चुका था। इसमें ये सेंटेंस में कौन सा वर्ब पहले हुआ है? मैच का शुरू होना ना, तो मैच शुरू हो चुका था, इसका क्या आप ट्रांसलेट करोगे? द मैच हैड स्टार्टेड। देखिए, द मैच हैड स्टार्टेड, द मैच हैड स्टार्टेड, ये इसका हो गया ना, मैच शुरू हो चुका था। अब सेकेंड पार्ट इसका आप बनाइए, जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है उसको आपको बनाना है। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो इसका होगा व्हेन, व्हेन वी, व्हेन वी रीच्ड, रीच्ड देयर। अब देखिए कंप्लीट सेंटेंस, द मैच हैड स्टार्टेड व्हेन वी रीच्ड देयर, है ना, ये हुआ ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो मैच शुरू हो चुका था। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, एक और देखिए, मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी। अच्छा जी, आपकी कोई गर्लफ्रेंड होंगी या कोई फ्रेंड, है ना, और आपने टाइम दिया होगा उसे और आप टाइम पे नहीं पहुंच पाए तो वो गुस्सा होकर चली गई होगी। तो आप किसी को बोल रहे हो, अपने फ्रेंड को बोल रहे हो, यार मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी, मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया भाई। तो इसका क्या ट्रांसलेट करोगे आप? सोचो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन। देखिए, कौन सा वर्क कंप्लीट हुआ है? इसमें दो वर्क दिख रहे हैं ना, वह जा चुकी थी और मेरे आने से पहले। तो सबसे पहले जो कंप्लीट हुआ वर्क, उसका ट्रांसलेट आपको करने, पहले वह जा चुकी थी तो इसका क्या होगा? ही हैड गॉन, ही हैड गॉन। अब जो बचा है उसका ट्रांसलेट करना है। मेरे आने से पहले है ना, तो इसका होगा बिफोर आई केम, बिफोर आई केम। देखिए, ही हैड गॉन बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी। यार तो किसी को टाइम देते हो तो टाइम पे पहुंचा करो ना। चलो देखिए, अब ये कंप्लीट होता है। अब आपका ये टास्क टाइम है, आपको ये इसका ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करने हैं, मैं चेकआउट कर लूँगा। और जो भी क्वेरीज हो आप प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।